হচ্ছে দেখুন, लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोग इमोशनल ईएमएफ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे। किसके बारे में डिस्कस करने वाले थे बच्चों? इमोशनल ईएमएफ, ठीक है, इमोशनल ईएमएफ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कट करते हुए पास होगी तो उस रॉड में 100% कोई ना कोई ईएमएफ जनरेट होगा। अब वो ईएमएफ क्यों जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे ये जो रॉड है, ध्यान से समझना इस बात को, ये एक रॉड है, इस रॉड के अंदर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यस और नो? क्योंकि ये कंडक्टर थी, क्योंकि ये कंडक्टर थी तो क्या इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे? तो बेसिकली देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को, है ना, ध्यान से समझना। देखो हुआ क्या है, बेसिकली इस रॉड पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जैसे ही इस रॉड को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराना स्टार्ट किया होगा वी स्पीड से, ऐसे वी स्पीड से जैसे ही इस रॉड को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में लेके आया हूं, तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन जो था रॉड के ऊपर, तो क्या मैंने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड प्रोवाइड कर दी है बच्चों, यस और नो? क्या मैंने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड प्रोवाइड कर दी है? अच्छा, तो जब भी कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या उसके ऊपर एक फोर्स लगता है बच्चों? हाँ या ना, मैग्नेटिक फोर्स। हाँ, तो मुझे तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है वो कौन सी डायरेक्शन में लगने वाला है, सोच के बताओ। इस इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है वो किस डायरेक्शन में लगने वाला है? इलेक्ट्रॉन पे सोचो, इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे सोचो, इलेक्ट्रॉन पे भाई, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा क्या वो डाउनवर्ड साउथ डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों? हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन। देखो तुम वी क्रॉस बी करोगे तो वी क्रॉस बी से थम आ रहा है अपवर्ड, पर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन की कहानी, अभी मैं केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, है ना, जैसे ही ये एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहां पे, तो क्या एक पॉजिट्रॉन, ऐसा मान सकता हूं एक पॉजिट्रॉन यहां पहुंचा होगा, यस और नो? एक इलेक्ट्रॉन अगर नीचे पहुंचा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉजिट्रॉन ऊपर मान सकते हैं ना भाई? हाँ या ना? अच्छा, अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन नीचे पहुंचा और एक पॉजिट्रॉन ऊपर, तो क्या यहां पे जैसे ही एक चार्ज पार्टिकल सेपरेट हुआ हुआ, देखो ध्यान से समझना, एक चार्ज पार्टिकल सेपरेट हुआ, एक चार्ज पार्टिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ गया यहां पे नेगेटिव और यहां पे जनरेट हो गया एक पॉजिटिव, यस और नो? एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं अभी मैं, और बहुत सारे हैं मेरे को पता है, पर मैं खाली एक की बात कर रहा हूं अभी, यस और नो? तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन नीचे पहुंचा होगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा, और इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से क्या इस रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई होगी ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो? हाँ या ना? ये एक चार्ज की वजह से क्रिएट हुई है या सबकी वजह से? मैं बताऊं, ये अभी किसकी वजह से बता रहा हूं, एक चार्ज या सबकी वजह से बताया मैंने? ये मैंने बताया ओनली ड्यू टू द वर्क, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट हुआ, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट हुआ तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज पहुंचा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई इस रॉड के अंदर। अब सोचो इस रॉड में केवल एक इलेक्ट्रॉन है या ऐसे बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो सोचो ये तो कहानी थी पहले वाले इलेक्ट्रॉन की, ये तो कहानी थी पहले इलेक्ट्रॉन की, मुझे तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन पे केवल और केवल कौन सा फोर्स लगा था? पहले वाले इलेक्ट्रॉन पे केवल कौन सा फोर्स लगा था? मैग्नेटिक, यस और नो? पहले वाले इलेक्ट्रॉन पे केवल कौन सा फोर्स लगा था? मैग्नेटिक, यस और नो? पहले वाले इलेक्ट्रॉन पे केवल मैग्नेटिक फोर्स लगा था। अब जैसे ही पहला वाला इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया तो उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना ली। अब सोचो जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सेकंड नंबर का जो इलेक्ट्रॉन,
क्या इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा नीचे, क्योंकि ये भी मोशन में है, और जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, क्या उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स भी आ गया होगा ऊपर? यस और नो? हाँ, दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या फील करेगा? वो दो फोर्स फील करेगा, एक तो मैग्नेटिक खुद के मोशन की वजह से, और एक इलेक्ट्रोस्टेटिक जो पहला चार्ज पार्टिकल सेपरेट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसकी वजह से। यस और नो? अब मुझे तो एक इलेक्ट्रॉन के सेपरेट होने की वजह से क्या बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है या बहुत लेस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है? बहुत लेस। तो मुझे तो ये जो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन है क्या ये भी नीचे चला जाएगा बच्चों? हाँ या ना? ये भी नीचे चला जाएगा। तो ये भी नीचे चला जाएगा, तो अब नीचे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब नीचे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऊपर कितने पॉजिट्रॉन हो गए? दो पॉजिट्रॉन हो गए। अब मुझे बताओ ये दो इलेक्ट्रॉन दो पॉजिट्रॉन मिलके क्या थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट हुआ इसके मैग्नीट्यूड को क्या पहले के कंपेरिजन में बढ़ा देंगे? यस और नो? तो जो थर्ड चार्ज पार्टिकल होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा, थर्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्या अब इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स नीचे जितना सब पे लगा था उतना ही मैग्नेट, पर इस पे जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऊपर लगा है क्या ये पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है? हाँ या ना? तो मुझे बताओ धीरे धीरे जब चार्ज पार्टिकल सेपरेट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे जब चार्ज पार्टिकल सेपरेट होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या अलग अलग चार्ज पार्टिकल पे, जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल सेपरेट, तो सब पे क्या इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स सेम लगेगा या बढ़ता जा रहा है? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स धीरे धीरे हर चार्ज पार्टिकल पे क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता। तो क्या एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बढ़ते बढ़ते मैग्नेटिक के बराबर हो जाए? क्या एक टाइम ऐसा आएगा? हाँ। तो उसे बोलेंगे बच्चों स्टेडी स्टेट। उसे क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट। एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट। तो एट स्टेडी स्टेट मुझे बताओ क्या यहाँ पे काफी सारा नेगेटिव जनरेट हो चुका होगा, यहाँ पे काफी सारा पॉजिटिव, और इस स्टेडी स्टेट के बाद क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज होने वाले हैं? क्या और एक्स्ट्रा पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो सकते हैं? स्टेडी स्टेट के बाद इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। हाँ या ना? मैग्नेटिक नीचे और इलेक्ट्रोस्टेटिक बराबर। स्टेडी स्टेट मतलब इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक का मैग्नीट्यूड कैसा हो गया? सेम हो गया। तो उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन सेपरेट नहीं होगा, तो जितना नेगेटिव नीचे क्रिएट हो चुका है वो फिक्स हो जाएगा, जितना पॉजिटिव ऊपर क्रिएट हो गया फिक्स हो। तो मुझे तो क्या इस रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रह जाएगी यहाँ पे? हाँ या ना? क्या इस रॉड के अंदर इस इंस्टेंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो कॉन्स्टेंट रहने वाली है? यस और नो? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या इस रॉड में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट हो जाएगा? हाँ या ना? तो क्या EMF क्रिएट हो गया इस रॉड के अंदर? यस और नो? तो देखो हुआ क्या होगा, एट स्टेडी स्टेट, ध्यान से देखो, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट QE बराबर हो गया होगा QVB के। यस और नो? देखो V क्रॉस V कर लिया मैंने, और V और B 90 डिग्री पे, तो QVB लिखूंगा बच्चों मैग्नेटिक फोर्स को मैं। तो Q से Q कैंसिल, तो जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई क्या वो V इंटू बी है? जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई वो कितनी जनरेट हुई है? V इंटू बी। यस और नो? ये V वोल्टेज नहीं है, वेलोसिटी है, इस पे मैं ऐसे मार्क कर देता हूं ऐसे, ठीक है? अच्छा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ होगा रॉड के अंदर क्या वो लिखा जाएगा? ई डॉट एल, ई डॉट डी एल लिखते हो ना बच्चों? तो देखो ई वेक्टर इधर है, एल वेक्टर को भी इधर ही मान लो, L वेक्टर को भी इधर ही मान लो L वेक्टर, तो E वेक्टर और L वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो E into L लिख सकता हूं बच्चों मैं? Yes or no? पोटेंशियल डिफरेंस को क्या E into L लिख सकता हूं? तो यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस इन द रॉड जनरेट हुआ वो कितना जनरेट हुआ? E की वैल्यू कितनी है? देखो VB, E की वैल्यू कितनी है? VB। तो क्या मैं लिख सकता हूं? VBL, इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। यस और नो? इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। यस और नो? हाँ या ना? इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ।
अच्छा, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हमने किया है, क्या ये एक जनरल केस के लिए किया है या एक फिक्स केस के लिए किया है? ये जो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, ये कोई जनरल केस था या एक फिक्स केस था? ये तो फिक्स केस था ना, तुमने पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल परपेंडिकुलर मान रखे हैं, हाँ या ना? तो ये तो एक फिक्स केस का, तो अब इसको जनरलाइज किया जाए, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, रीजन समझ में आ गया सबको? पहले तो ये बताओ, क्या सबको ये रीजन समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट क्यों हुआ? ये बात सबको समझ में, तो अब जनरलाइज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। देखो जनरलाइज करते हैं फॉर्मूले को, जनरल फॉर्मूला क्या बने तो जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है मुझे बताओ। एट स्टेडी स्टेट, अगर जनरल फॉर्मूला बनाना है, एट स्टेडी स्टेट अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल नहीं पता है, तो क्या आपको एट स्टेडी स्टेट ऐसा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यस और नो? तो क्या ये ऐसा बनेगा, क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी? भाई एंगल के बारे में नॉलेज नहीं है तो ऐसे लिखेंगे ना भाई, जनरल तो ऐसे लिखा जाएगा, हाँ या ना? एट स्टेडी स्टेट क्या क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे लिखा जाना चाहिए? तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई थी रॉड के अंदर, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी गई बच्चों वी क्रॉस बी? ये वी वेलोसिटी वाला वी है, तो इतनी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई किसके अंदर, रॉड के अंदर। क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वी क्रॉस बी के ऊपर डिपेंड कर रही होगी? क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वी क्रॉस बी के ऊपर डिपेंड करी? तो मुझे तो, अगर तुम्हें रॉड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या तुम्हें सबसे पहले रॉड के अंदर क्रिएट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी विद डायरेक्शन, हाँ या ना? सबसे पहला तुम्हारा काम होगा रॉड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना विद डायरेक्शन, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो ये तो तुम देख लोगे, है ना? अब देखो, एक बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई आपको, V क्रॉस B से मिलेगी, ध्यान सुन लेना, V क्रॉस B से मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दी रॉड, क्या इसको लिखा जाएगा, E वेक्टर डॉट L वेक्टर, डॉट L वेक्टर, यस और नो? डॉट प्रोडक्ट होता था ना बच्चों, ये तो E डॉट L तो हमें क्या पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल आ जाए L वेक्टर के? हमें ऐसा कुछ पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल आएगी एल वेक्टर के या नहीं आएगी, यस और नो? तो मैं 0 डिग्री एंगल कैसे मान लू भाई, वो तो वो केस था, उसमें थी ई और एल पैरेलल, हाँ या ना? तो ई डॉट एल वेक्टर, तो मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ई वेक्टर क्या था देखो, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर, यस और नो? क्या पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे लिखा जाएगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी नया वेक्टर आया उसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको एल वेक्टर के साथ। हाँ, अब एक बात कान खोल के सुनो, कितने वेक्टर्स यूज में आ रहे हैं, कितने वेक्टर्स यूज में आ रहे हैं, कितने वेक्टर्स यूज में आ रहे हैं यहाँ पे, तीन। इन तीन वेक्टर में से अगर कोई दो पैरेलल हो गए, अगर इन तीन में से कोई दो पैरेलल हो गए, तो फिर नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। अगर इन तीन में से कोई भी दो पैरेलल हो गए, तो नेट कितना आएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, लिख लो। इफ इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल
देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना। ये तीनों में से अगर कोई दो भी पैरेलल हो गए ना बच्चों, कोई दो भी पैरेलल हो गए, कोई भी दो ले लो तुम्हारी मर्जी है, कोई भी दो ले लो तुम्हारी मर्जी है, कोई भी दो पैरेलल हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ या ना? क्योंकि उस केस में या तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा या डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दो पैरेलल हो गए तो या तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा या डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से अगर इनमें से कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो गए। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एल वेक्टर की। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एल वेक्टर की। देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पे बी वेक्टर कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, और एल वेक्टर क्या है? एल वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब तुम इनिशियल किसको मानोगे, फाइनल किसको मानोगे, मैं अभी बता दूंगा। ध्यान से देखो, हेयर बी वेक्टर एंड वी वेक्टर इज कॉन्स्टेंट एंड एल वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इसकी डायरेक्शन क्या इनिशियल टू फाइनल वेक्टर होगी बच्चों? एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर की तरफ होगी। हाँ या ना? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होगी एल वेक्टर की डायरेक्शन, यस और नो? क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, एक एक क्वेश्चन किया जाए। अब देखो, एक क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं, ताकि तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाए, है ना? हमें बेसिकली रॉड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरे वी वेलोसिटी है, पागल हो गया, वोल्टेज कहाँ से आ गया? अभी तो बोला वी वेलोसिटी है रॉड की। देखो, मान लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, ठीक है? तो ये एक रॉड है, ऐसा समझो, ये एक रॉड है, ठीक है? अच्छा, इस रॉड के अंदर है ना, हमें क्या क्रिएट करना है? EMF क्रिएट करना, मतलब बैटरी बनानी है। तो ये तो A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये तो A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट, है ना? B नॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। और ये जो रॉड है ये ऐसे जा रही है, देखो इस तरफ जा रही है V नॉट वेलोसिटी के साथ। कितनी वेलोसिटी के साथ? V नॉट वेलोसिटी के साथ, 37 डिग्री एंगल यहाँ पर। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं? वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेट, तो मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? मुझे तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखी जाती थी, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर? हाँ यार, हाँ या ना? जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी स्टेडी स्टेट पे, क्या वो V क्रॉस B लिखी जाएगी? स्टेडी स्टेट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, क्या वो V क्रॉस B? हाँ। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अभी कुछ नहीं पूछा तुमसे, कुछ नहीं पूछा, कुछ पूछूंगा तो अभी रुको, मेरी बात सुनो। मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तब तक मेरी बात सुनो।
तो मैंने बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो है वी क्रॉस बी। मुझे तो ये वी क्रॉस बी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की डायरेक्शन भी बताता था, याद करो। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी से चलाया जाए तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन भी तो वी क्रॉस बी बताता था। हाँ, तो तुम वी क्रॉस बी अगर करते हो तो देखो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, इस पे हाथ रखा ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करूं फिंगर्स को, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है? क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आने वाली है? यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या ऐसे आएगा? ये मैं बाहर बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर है या रॉड के अंदर है? ये डायरेक्शन मैंने बाहर बनाई है, ये रियलिटी में कहां प्रेजेंट है? रॉड के अंदर, ठीक है? हाँ या ना? अब मुझे बताओ, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा? सोचो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा, सोच के बताओ। ए की तरफ या बी की तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर भागेंगे? तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट करोगे, चार्ज पार्टिकल रॉड के अंदर ही रह सकता है। देखो रॉड के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात को यार, तुम पता नहीं तुम्हें समझ में आ रही है नहीं, ध्यान सुनो। ऐसा हुआ, ये रॉड को मैं आराम से दिखा रहा हूं तुम्हें, यहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान लो, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हुई, यस और नो? अब ध्यान से सोचना, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे मुझे तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है? वी क्रॉस बी करके क्या मैग्नेटिक फोर्स भी इधर ही आया होगा? तो ये चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, ए की तरफ जाएगा या बी की तरफ जाएगा? सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा, ए की तरफ या बी की तरफ? कॉम्पोनेंट कर लोगे ना तुम इसके, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ए की तरफ जाएगा, तो फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा होगा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा होगा बी की तरफ। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा होगा बी की तरफ, हाँ या ना? यस और नो में रिप्लाई दो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तुम तो 2 मिनट के लिए ऐसा भूल जाओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तुम जो मैं बता रहा हूं ना उसके ऊपर फोकस करो। ये एक काम करते हैं, चलो पहले जो मैं बता रहा हूं उसको समझो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हायर, मुझे तो अगर ए और बी के बीच में बैटरी बनने वाली है तो एक हायर टर्मिनल रहा होगा और एक लोअर टर्मिनल रहा होगा ना यार, एक हायर पोटेंशियल रहा होगा एक लोअर पोटेंशियल रहा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो मेरी? सर एक हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट रहा होगा और एक लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट रहा होगा, क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? तो मैं तुम्हें ये जज करना बता रहा हूं कि कौन सा पोटेंशियल हायर रहा होगा और कौन सा पोटेंशियल लोअर रहा होगा, मैं कुछ नहीं बता रहा तुम्हें, मैं तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना नहीं सिखा रहा। पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है हमें, हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे। हमें पहले क्या सीखना है कि कौन सा पॉइंट इस रॉड में हायर पोटेंशियल रहा होगा और कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल रहा होगा, क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो? उसको डिसाइड करने का सबसे सिंपल मेथड है, सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूं, तुम कुछ मत करो। तुम तो ये देखो कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है इस रॉड के अंदर तो वो इधर ऐसे वेलोसिटी होती उसकी, यस और नो? तो वी क्रॉस बी से उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है इधर और वो दौड़ता है इस तरफ, यस और नो? तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या ए पॉइंट पे पहुंचता, हाँ या ना? और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहां पहुंचता, बी वाले पॉइंट पे। तो अपने आप तुम देख लो, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दौड़ा होगा ना वो पॉइंट हायर पोटेंशियल रहा होगा और दूसरा वाला लोअर पॉइंट। तो एक बात क्लियर होगी, पोटेंशियल ऑफ ए इज हायर देन पोटेंशियल ऑफ बी, ये पोटेंशियल है, ठीक है? पोटेंशियल ऑफ ए इज हायर देन पोटेंशियल ऑफ बी, क्लियर?
ये बात समझ में आई या नहीं है पहले तो बताओ। पोटेंशियल ऑफ ए इज हायर देन पोटेंशियल ऑफ बी। अब एक बात क्लियर हुई, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एक तो निकालो वी बी माइनस वी ए और एक पूछा जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए ना, कौन सा आंसर नेगेटिव आ रहा होगा, कौन सा पॉजिटिव आ रहा होगा, यस और नो? क्या तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कौन सा आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा, कौन सा आंसर नेगेटिव आ रहा होगा? है ना, इस बात का पता चलना चाहिए तुम्हें कि क्या आंसर पॉजिटिव आया कौन सा। तो अब देखो, अब हमें एक बात तो क्लियर होगी कि यार सर वी ए हायर है वी बी से, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं वी ए माइनस वी बी, हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से, वी ए माइनस वी बी, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये फॉर्मूले से कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, कैलकुलेट करोगे भाई वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। तो ये वी क्रॉस बी, क्या ये ई वेक्टर था बच्चों, क्या ये ई वेक्टर था, हाँ या ना? तो अब हमें सॉल्व करना है सर ई वेक्टर। देखो तो V और B तो आपस में परपेंडिकुलर थे, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं E वेक्टर डॉट L वेक्टर, बच्चों E वेक्टर डॉट L वेक्टर ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना? E वेक्टर डॉट, अच्छा E वेक्टर डॉट L वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, E का मैग्नीट्यूड इंटू L का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यस और नो? E का मैग्नीट्यूड इंटू एल का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यस और नो? ऐसे ही लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? हाँ ऐसे ही लिखा जाएगा, E का मैग्नीट्यूड एल का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ऐसे लिखा जाएगा ना भाई? हाँ। अब ये थीटा क्या चीज है यहाँ पे, ये बताओ थीटा क्या चीज है यहाँ पे? थीटा क्या चीज है यहाँ पे, एंगल बिटवीन व्हाट, ई वेक्टर एंड एल वेक्टर, ई वेक्टर एंड एल वेक्टर, डिसाइड करो ई वेक्टर और एल वेक्टर में कितना एंगल है। एल वेक्टर किधर मानोगे आप, तुम एल वेक्टर किधर मानोगे जल्दी से बताओ, तो जिस तरफ हायर पोटेंशियल है, ध्यान सुन लो, जिस तरफ हायर पोटेंशियल है उसी तरफ तुम्हें एल वेक्टर मानना है, ऐसे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? जिस तरफ हायर पोटेंशियल है उसी तरफ आपको क्या मानना है, एल वेक्टर, क्लियर? यस और नो? बहुत बढ़िया, जिस तरफ हायर पोटेंशियल उसी तरफ आपको ई सॉरी एल वेक्टर बनता, तो एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी बी टू ए। तो देखो ये तो हो गया एल वेक्टर और ये हो गया ई वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या 53 डिग्री है बच्चों, क्या इनके बीच में एंगल 53 डिग्री है, यस और नो? तो ये जो थीटा है ये 53 डिग्री लिखा जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड एल का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 53 डिग्री। अब ई का मैग्नीट्यूड निकालना, क्या सबसे बड़ी चीज यही है हमारे पास अभी, ई का मैग्नीट्यूड, तो ई का मैग 53 तो है, अरे यार ये 37 है, ये 90 है बीच में, तो ये 53 आएगा ना, यस और नो? ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 53 डिग्री एंगल। तो ई का मैग्नीट्यूड, ई का मैग्नीट्यूड कितना है जल्दी से बताओ, ई का मैग्नीट्यूड लिखा गया होगा सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन अल्फा, लिख लो इसको। ये अल्फा क्या चीज है मुझे बताओ, ये अल्फा क्या चीज है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अरे ई वेक्टर ये था ना यार, E वेक्टर था V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वेक्टर है 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां से E का मैग्नीट्यूड क्या हो गया होगा बच्चों, V इंटू बी, यस और नो?
तो इस e की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो कितना बना va माइनस vb, ये हमारे पास बना vb l cos 53 डिग्री। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? कैसे हमने वी ए माइनस वी बी निकाला है, क्या सबको समझ में आया? सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है, हाँ मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि विच वन इज द हायर पोटेंशियल, ए और बी, कौन सा हायर पोटेंशियल होगा, ए होगा या बी होगा। इसको देखने का एक तरीका तो ये है कि आप रॉड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मानो और उस पे देखो कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, जिधर मैग्नेटिक फोर्स लगा होगा वही हायर पोटेंशियल रहा होगा। या फिर दूसरा, आप वी क्रॉस बी करो, वी क्रॉस बी से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट की तरफ झुकी हुई है, जिस पॉइंट की तरफ टिल्टेड है, वही हायर पोटेंशियल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल होगा, इसको देखने के दो तरीके, या तो रॉड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल मानो और उस पे देखो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है, या फिर आप ऐसा देख लो कि V क्रॉस B से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ टिल्टेड है उसी तरफ हायर पोटेंशियल रहा होगा। तो रॉड के किस पॉइंट की तरफ टिल्टेड हो रही है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, ए और बी, किस पॉइंट की तरफ टिल्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए और बी, ए की तरफ टिल्टेड है, तो ए की तरफ टिल्टेड है तो ए ही हायर पोटेंशियल है, ठीक है, ए कौन है, ए ही हायर पोटेंशियल है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो वी ए माइनस वी बी निकालना है, मैं क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी निकालोगे तो देखो क्या बनेगा बच्चों, वी ए माइनस वी बी अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो, वी ए माइनस वी बी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये बनेगा वी क्रॉस बी डॉट एन। तो हायर माइनस लोअर के लिए ये फॉर्मूला है, वी क्रॉस बी डॉट एन। अब इसमें वी क्रॉस बी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो इसको तो लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ताकि कंफ्यूजन ना हो। डॉट एल वेक्टर, डॉट एल वेक्टर, अब देख लो कि एल वेक्टर किधर मानना है, एल वेक्टर की डायरेक्शन आपको हायर पोटेंशियल की तरफ माननी है, तो E वेक्टर और L वेक्टर में आपको एंगल पता चल जाएगा, उस एंगल का सबसे पहले यूज ले लो। तो आपके पास बनेगा E का मैग्नीट्यूड, L का मैग्नीट्यूड, cos एंगल बिटवीन E एंड L। अब दिक्कत किसकी है, E के मैग्नीट्यूड की। तो अब देखो E का मैग्नीट्यूड कहां से आएगा, E वेक्टर था V क्रॉस B, तो E का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा V का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड sin alpha, वेयर alpha इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर? तो वहां से हम E का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और यहां पे पुट कर देंगे, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, यस और नो? अरे डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर बोल तो दिया, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ माननी है L वेक्टर की डायरेक्शन, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ माननी है L वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर ये बात सबको? हाँ या ना? अगर तुम्हें क्लियर हो गई ये बात तो नेक्स्ट वाला तुम्हें ही करना है, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम्हें ही करना है, ओके। चल देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपको बोला गया ऐसा, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द प्लेन, एक मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, ठीक है। एक रॉड है जिसे ऐसे रखा गया है, ये एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड को हम ऐसे मूव करा रहे हैं यहां पे वी वेलोसिटी से, ये एक एंगल है बच्चों 37 डिग्री, और रॉड का ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब तुम सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करके दो
क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा, क्वेश्चन की मुझे दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करके दो कि विच वन इज हायर पोटेंशियल, ए और बी। विच वन इज हायर पोटेंशियल, ए और बी? तुम बस एक काम करो, वी क्रॉस बी करो, थंब किधर आ रहा है, वो थंब जिस तरफ टिल्टेड है ना, वही तुम्हारे लिए हायर पोटेंशियल है। क्या ये सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे बी वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल रहा होगा, यस और नो? क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि बी वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल रहा होगा? तो बी वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है वी बी माइनस वी ए निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस इन द रॉड वी बी माइनस वी, और लेंथ ऑफ द रॉड है एल। चलो करो क्वेश्चन सॉल्व। तो मुझे तो एल वेक्टर की डायरेक्शन किधर मानोगे, एल वेक्टर की डायरेक्शन किधर मानोगे, जल्दी से बता दो। एल वेक्टर की डायरेक्शन किधर मानोगे? ए टू बी, वेरी गुड, ए टू बी, बहुत अच्छे। अब कर लो क्वेश्चन, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। देखो बच्चों, वी ए माइनस वी बी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर, हाँ या ना? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर, हाँ या ना? ऐसा लिखना पड़ेगा बच्चों। अब ये वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या ये ई वेक्टर है? तो E डॉट L वेक्टर करना है बेसिकली, मुझे क्या करना है, E डॉट L। तो सबसे पहले E वेक्टर देखो, क्या E वेक्टर इधर आ रहा है बच्चों, क्या E वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, हाँ या ना? तो L वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माना आपने ये L वेक्टर मान लिया, तो L वेक्टर ये है और E वेक्टर ये है, तो क्या ये एंगल 53 डिग्री दिखाई दे रहा है सबको? तो E और L के बीच में एंगल आपको दिख गया 53 डिग्री है, E वेक्टर और L वेक्टर के बीच में एंगल दिख गया 53 डिग्री, तो इसको लिख लो सबसे पहले। तो सर देखो, E का मैग्नीट्यूड, L का मैग्नीट्यूड और cos, एंगल बिटवीन E एंड L, ये है सर 53 डिग्री। यहां तक बात आ गई समझ में? अब दिक्कत ये कि सर E का मैग्नीट्यूड निकाल लो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो E का मैग्नीट्यूड देख लिया भाई, E का मैग्नीट्यूड कैसे देखेंगे, E का मैग्नीट्यूड देखेंगे V का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। क्या ये 90 है, वी और बी के बीच में एंगल क्या 90 है? तो ई का मैग्नीट्यूड बच्चों हमारे पास आ जाएगा वी इंटू बी नॉट, इसका यूज ले लो यहाँ पे, तो देखो कितना हो गया, वी इंटू बी नॉट इंटू एल कॉस 53 डिग्री हो गया 3/5। कितने बच्चों का आंसर आ गया था ये वी बी माइनस वी ए का, कि वी बी माइनस वी ए हमारे पास है 3/5 वी बी नॉट इंटू एल, बहुत अच्छे हो गया था ना सबसे ये क्वेश्चन सॉल्व, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चंस करने में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये जनरल क्वेश्चन थे, इनमें एंगल अलग अलग थे, कोई भी एक रेंडम एंगल मैंने उठा के दे दिया। आप सपोज करो, इफ If ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने निकाला, ये लिखा गया था वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। अच्छा, अगर इसमें इफ ऑल द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ऑल द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, तो क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली वी बी एल लिख पाऊंगा, यस और नो? देख लो, अगर सारे के सारे वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी बी एल इज द पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट, वी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और एल का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? If all the vectors are per, तो आपके है ना सबसे ज्यादा ये यूज में आएगा,
पर ये यूज में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको रट लो। ये कब है? जब ऑल द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। तो मैक्सिमम टाइम ये केस यूज में आता है तो बच्चा इसी को रट के रखता है। पर रियल फॉर्मूला क्या था? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। क्लियर है बातें सबको? रियल फॉर्मूला ये है, और इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मैंने बता दिया आपको। रियल फॉर्मूला तो ये है, पर मैक्सिमम टाइम ये वाला केस डिस्कस होगा आपसे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये वाला केस डिस्कस होगा। ओके चलो, तो क्वेश्चन करें ये केस के ऊपर, जो केस हमने माना है उसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखो, हाँ देखो बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है सर। एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। क्या है? एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये बी यहां पे कांस्टेंट है, और कितना है? बी नॉट के बराबर। ठीक है, और इसे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा समझो एक लूप है, एक लूप है, और ये लूप जो है, इस लूप को नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस, है ना। एक स्क्वायर लूप है, इसकी साइड अभी मैं बता दूंगा। लो, स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप है, इसकी साइड है बच्चों एल, इसकी साइड कितनी है एल, और ये राइट डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, वी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस हो सकती है? क्या क्या इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस हो सकती है क्या? यस और नो में रिप्लाई देना पहले तो, और नहीं हो सकती तो रीजन बताओ क्यों। क्या इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस, करंट लूप के अंदर कब इंड्यूस होती है? जब लूप से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो। क्या इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स कांस्टेंट है? क्या इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स कांस्टेंट है? ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा, ना एरिया, ना कोई एंगल चेंज हो रहा है। देखो तो मुझे तो इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स कांस्टेंट है, तो जो तुम डी फाई बाई डी टी करते थे, मेरे को बता ना, तुम जो डी फाई बाई डी टी करते थे उससे कौन सा ईएमएफ आता था? साइड्स का या नेट? कौन सा ईएमएफ आता था? वो नेट ईएमएफ आता था लूप का। यस और नो? तो क्या एक बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि इस लूप का नेट ईएमएफ जीरो है? क्या एक बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो चुकी है कि इस लूप का नेट ईएमएफ जीरो है? मैंने भी मान ली ये बात कि इस लूप का नेट ईएमएफ जीरो, ये मुझे पता है। पर मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे हर साइड का ईएमएफ चाहिए। तुम्हें क्या पता करना है? इंड्यूस ईएमएफ ऑन ईच साइड, इंड्यूस ईएमएफ ऑन ईच साइड। अब ध्यान से सुनो, मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए क्वेश्चन, तुम मत करो, मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने एक साइड ली पी क्यू, सबसे मैंने मैंने एक साइड ली पी क्यू, तो ई एम एफ इंड्यूस, इंड्यूस ई एम एफ इन पी क्यू। सबसे पहले सोचते हैं, तो देखो जो पी क्यू वाली वायर है, ध्यान से देखना, ये पी क्यू वाली वायर है, ये पी है और ये क्यू है। मुझे तो क्या ये पी क्यू वाली वायर चल रही है? हाँ या ना? किधर चल रही है? राइट साइड चल रही है। किधर चल रही है? राइट साइड चल रही है। तो राइट साइड ऐसे चल रही है वी वेलोसिटी के साथ, यस और नो? तो क्या इसके अंदर, मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू दी प्लेन है, क्या इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? इस वायर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। किधर हायर पोटेंशियल और किधर लोअर पोटेंशियल, जल्दी से बताओ, किधर हायर पोटेंशियल और किधर लोअर पोटेंशियल? वी क्रॉस भी कर लो, अपने आप पता चल जाएगा किधर हायर और किधर लोअर। कौन हायर रहा होगा और कौन लोअर? क्यू हायर रहा होगा बच्चों। क्या क्यू पॉइंट इज द हायर पॉइंट? तो मतलब ये जो पी क्यू वाली वायर है, ध्यान से देखना, ये जो पी क्यू वाली वायर है, इस वायर में क्या एक बैटरी बनी होगी? ऐसे हायर क्यू है एच पी और ये एल पी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई?
हायर पोटेंशियल क्यों था तो उसकी तरफ हायर बैटरी का हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल से। अब मुझे इस बैटरी का ईएमएफ कितना रहा होगा, मुझे तो इस क्वेश्चन में क्या वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, नहीं बेटा आउट ऑफ द प्लेन होता तो भी चेंज नहीं होता, ठीक है। मुझे तो क्या इस क्वेश्चन में वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एल वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है, क्या तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं? तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या वी बी एल रहा होगा, वी बी एल इट इज द मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन आती है वो तो देख देना मैंने हायर किधर और लोअर किधर, ये तो देख लिया मैंने यस और नो। तो पी क्यू वाली वायर में तो मुझे पता चल गया किधर बैटरी बन रही है और कैसे बन रही है। अच्छा अब अगर मैं बात करूं इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इन क्यू आर, तो जो क्यू आर वाली वायर है वो ऐसे है यस और नो, ये क्यू पॉइंट है और ये आर पॉइंट है, और ये वायर क्या इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, और एल वेक्टर जो होगा क्या ये वी के पैरेलल होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या एल वेक्टर और वी वेक्टर आपस में पैरेलल होने वाले। अच्छा अब एल वेक्टर और वी वेक्टर आपस में पैरेलल है तो क्या इस वायर में क्रिएट होने वाला ईएमएफ जीरो होगा, क्या इस वायर में क्रिएट होने वाला ईएमएफ जीरो होगा यस और नो? अरे वेलोसिटी वेक्टर बी वेक्टर और एल वेक्टर में तीनों में से अगर कोई दो पैरेलल हो जाते तो जीरो हो जाता है ना पोटेंशियल डिफरेंस। अरे हाँ या ना, तो यहाँ पे तो ये ईएमएफ कितना होने वाला है जीरो, ईएमएफ इन क्यूआर वायर कितना है जीरो। ऐसे ही अगर इंड्यूस ईएमएफ देखा जाए, इंड्यूस ईएमएफ इन आर एस वायर, तो देखो आर एस वायर ऐसी है, देखो ये आर पॉइंट है और ये एस पॉइंट है, ठीक है। अब ये वायर भी मूव कर रही है राइट साइड वी वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इन टू दी प्लेन, मुझे तो इसमें हायर पोटेंशियल कौन होगा और लोअर पोटेंशियल कौन होगा, विच वन इज हायर पोटेंशियल एंड विच वन इज लोअर पोटेंशियल। हाँ आर हायर होगा, अरे आर हायर होगा ना, वी क्रॉस बी करना नहीं जानते हो क्या? तो सर ये तो होगा हायर पोटेंशियल और ये होगा लोअर पोटेंशियल यस और नो? आर होगा हायर पोटेंशियल और एस होगा लोअर पोटेंशियल। अब मुझे तो इसमें क्या वेलोसिटी वेक्टर एल वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो बैटरी क्या देखो इधर हायर और इधर लोअर, क्या वी बी एल की बैटरी बनी होगी यस और नो? वी बी एल की बैटरी बनी होगी ऐसे यस और नो? अच्छा अब मुझे तो ई एम एफ इन एस पी वायर, ई एम एफ इन एस पी वायर जल्दी से बता दो, तुम ही बता दो इंड्यूस ई एम एफ इन एस पी वायर कितना होने वाला है जीरो, क्योंकि उसमें एल वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर क्या पैरेलल हो जाएंगे, हाँ या ना? ईएमएफ इन एसपी वायर ये हो जाएगा जीरो। तो सोच के देखो जब ये लूप फॉर्म हुआ होगा, जब ये लूप मतलब ये लूप कुछ ऐसा बन रहा है, देखो रियलिटी में ये ऐसा बन रहा है, हाँ या ना, चलते हुए ऐसा ही तो बन रहा है ये, गौर से देखा जाए तो ऐसा बना, और ये भी वी बी एल है और ये भी वी बी एल है। अब खुद देख लो क्या इस लूप का नेट ईएमएफ जीरो है, खुद सोच लो। देखो ये लेफ्ट वाली बैटरी करंट फ्लो कराना चाहती है क्लॉकवाइज, राइट वाली बैटरी करंट फ्लो कराना चाहती है एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों बैटरी का ईएमएफ सेम है तो ये अपोज कर रही है एक दूसरे को, तो जीरो हो जाएगा ना ईएमएफ भाई यस और नो? इसीलिए नेट ईएमएफ जीरो था, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? लूप का नेट ईएमएफ जीरो है पर हर वायर का ईएमएफ जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्लियर? लूप लूप का नेट ईएमएफ जीरो है इसका मतलब ये नहीं कि हर साइड का ईएमएफ जीरो था, क्या साइड्स पे ईएमएफ हो सकते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत चलो बहुत अच्छी बात, अगर ये समझ में आ गया तो चलो एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखो बस। ऐसा है या मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट, यहां पे एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है,
अब इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर है ऐसे, ऐसे एक वायर है, ये वायर का ए पॉइंट है और ये वायर का बी पॉइंट है, ठीक है। और यहां पे अगर कहीं सेंटर मान लेते हो तो ये जो डिस्टेंस है ये आर के बराबर है, रेडियस के बराबर, समझ रहे हो ना मेरी बात को। हाफ रिंग ली, एक हाफ रिंग ओपन है और ये रिंग क्लोज नहीं है, रिंग हाफ रिंग ली वो भी ओपन, जिसकी रेडियस थी आर। इस रिंग को मूव करा रहा हूं मैं ऐसे वी वेलोसिटी से, तो क्या इस रिंग के अंदर, इस रिंग के अंदर क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस, जहां वायर प्रेजेंट है क्या वहां एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ होगा, यस और नो? तो वो पोटेंशियल, अच्छा मुझे तो कौन, चलो तुम ये बताओ ए ए और बी में से कौन सा हायर रहा होगा पोटेंशियल और कौन सा लोअर रहा होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए, अच्छा ए हायर है, तो तुम एक काम करो वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करके बताओ मुझे, वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करके बताओ, चलो वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा क्या यहाँ पे एल वेक्टर को ए और बी को ज्वाइन करके बनाया जा सकता है, यस और नो में रिप्लाई देना, ऐसा क्यों, रीजन बताओ फिर। एल वेक्टर को आपने टू आर क्यों माना, एल वेक्टर को आपने टू आर क्यों माना, कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि एल वेक्टर को हम टू टू आर मान सकते हैं है? अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो बोलते हैं हम उसे टू आर वेक्टर क्यों बोलेंगे, यहाँ पे रीजन क्या है, क्यों मानू, मेरी मर्जी यार, मैं क्यों मानू तुम्हारी बात, क्यों मानू मैं, तुमने बोला सर टू आर मान लो एल वेक्टर को, तो मैं क्यों मानू तुम्हारी बात, रीजन बताओ ना कि सर इसलिए मान लो, रीजन बताओ तब मानूंगा मैं, ऐसे नहीं मानने वाला तुम्हारी बात। तुम तो ऊट पटांग रीजन बता रहे हो सर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एक बोल रहा है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी बात क्यों मानू, मेरे को तो प्रूफ करके दो कि सर ऐसा हुआ तब मानूंगा, ऐसे नहीं मानने वाला मैं तुम्हारी बात। अरे हाँ ऐसा कैसे मान लू, देखो अच्छा मुझे बता, अरे यार चुप हो गया तुमसे क्वेश्चन सुन, तुम तो तुम्हारी मर्जी पड़े जो मान लेते हो, ऐसा थोड़ी हो चलता है। अरे तुम मुझे बताओ, ध्यान सुनना, तुम मुझे बताओ अगर मैं इस लूप को ऐसा मानता, ध्यान सुनना, अगर इस लूप को ऐसा मानता मैं, सुनना मेरी बात, अब ए बी और ये वायर लगा के अगर इस लूप को क्लोज कर दिया जाए तो क्या इस लूप से पास होने वाला फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अभी तुम मुझे, तुम्हें तुम्हें क्वेश्चन में क्लोज लूप दिया है क्या, तुम्हें क्वेश्चन में क्लोज लूप दिया है क्या, तुम्हें क्वेश्चन में क्लोज लूप दिया था, नहीं दिया था तुमसे, नहीं दिया तुम्हें क्लोज लूप, पर मैं बोल रहा हूं अगर ए और बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके मैं अगर एक क्लोज लूप फॉर्म कर दूं तो क्या इस क्लोज लूप से पास होने वाला फ्लक्स कांस्टेंट है। हाँ अगर इस क्लोज लूप से पास होने वाला फ्लक्स कांस्टेंट है तो इस क्लोज लूप का क्या नेट ईएमएफ जीरो होना चाहिए। अब मुझे बताओ जब तक ये लूप ओपन था तो क्या इस, जब तक ये लूप ओपन था तो क्या इसका नेट ईएमएफ जीरो था क्या, नहीं, जब तक ये लूप ओपन था तब तक इसका कुछ ना कुछ ईएमएफ रहा होगा, ये नेट जीरो ना। और जैसे ही इस लूप को ए और बी से कनेक्ट कर दिया या ए और बी को एक वायर और लगा दी तो क्या नेट ईएमएफ जीरो हो जा रहा है। हाँ ना, तो कहने का मतलब क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये जो वायर थी कर्व वायर में जितना ईएमएफ क्रिएट हुआ होगा क्या उतना ही ईएमएफ इसमें क्रिएट हुआ होगा ताकि नेट जीरो कर पाए। हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दो, तभी तो नेट जीरो होगा। चाचा हो समझ पा रहे हो मेरी बात को, रीजन के साथ दो आंसर, ऐसे ही नहीं, मजाक नहीं चल रहा कोई यहाँ पे। अगर सर मैं ए और बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूं तो ये क्लोज लूप हो जाएगा और क्लोज लूप से पास होने वाला यहाँ फ्लक्स कांस्टेंट है तो उसका नेट ईएमएफ जीरो होगा। तो
तो जैसे ही क्लोज लूप बनाने से नेट ईएमएफ जीरो हो रहा है, मतलब बाकी जो पहले वाली वायर थी उस वायर में जितना भी ईएमएफ क्रिएट हुआ होगा, तो जो तुम न्यू वायर लगा रहे हो सेम अमाउंट का ईएमएफ उसमें भी क्रिएट होना चाहिए, तभी तो नेट जीरो हुआ होगा। नेट जीरो करने के लिए जितना पहले कर्व वायर में ईएमएफ था उतना का उतना ईएमएफ ये स्ट्रेट वायर में जनरेट होना चाहिए, यस और नो? हाँ या ना? हाँ, अब मुझे तो अगर स्ट्रेट वायर में ऐसे ईएमएफ क्रिएट हुआ है, ए वाला पोटेंशियल हायर रखा है बी, तो ये कर्व वायर में भी ऐसा ही रहना चाहिए था, यस और नो? दोनों की पोलरिटी एक जैसी दिखाई देनी चाहिए थी, तभी तो जीरो होता। तो क्या मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ जो कहानी कर्व वायर के लिए रही होगी वही कहानी स्ट्रेट वायर के लिए भी रही होगी सर? तो ए और बी को कनेक्ट करके अगर स्ट्रेट वायर बना दी जाए, तो इस स्ट्रेट वायर को अगर मैं वी वेलोसिटी से चलता हुआ मान लू, तो इसमें जो ईएमएफ क्रिएट होगा, बैटरी जो बनेगी वो ऐसे बनेगी ए और बी के बीच में, और इस बैटरी का ईएमएफ होगा सर वी बी टू आर, यस और नो? इस बैटरी का ईएमएफ होगा वी बी टू आर, यस और नो? क्योंकि एल वेक्टर, आर वेक्टर, एल वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर तीनों परपेंडिकुलर होगा इस वायर के लिए, यस और नो? तो सेम बैटरी यहां पे भी बनी होगी, सेम यही बैटरी यहां पे भी बनी होगी सेम अमाउंट में, यस और नो? क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी वो रहा होगा सर वी बी नॉट इंटू टू आर। चमका? अरे चमका या नहीं? तो क्या एक बात समझ में आ गई कि अगर एक लूप दो, अगर एक वायर को कर्व कर रखा है तो उसके इनिशियल और पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट वायर से ज्वाइन करके आप उस स्ट्रेट वायर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हो, तो कर्व वायर का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। बस कंडीशन क्या है, उस स्ट्रेट वायर को कनेक्ट करने के बाद लूप का नेट ईएमएफ जीरो हो जाना चाहिए, यस और नो? ऐसा केवल तभी कंसीडर कर सकते हो जब आप स्ट्रेट वायर को कनेक्ट करते लूप से पास होने वाला नेट ईएमएफ जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है? बाकी के और जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।